विस्की की बोतल में 20 करोड़ की कोकीन घोलकर तस्करी की कोशिश नाकाम। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ाया यात्री। शराब की 2 बोतलों में कोकीन घोलकर भारत लाने की तस्करों की कोशिश विफल कर दी गई। मुंबई हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुरुवार को एक यात्री के पास से इन बोतलों को जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि बोतलों समेत इस कोकीन का वजन 3.5 किलो है। इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI अधिकारी ने कहा, अदीस अबाबा से होकर लागोस से मुंबई आए एक यात्री के पास से बोतलें जब्त की गयी। खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला था कि एक यात्री देश में कुछ नशीले पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश में है। इस आधार पर उसके सामान की तलाशी लिए जाने के दौरान इसका खुलासा हुआ। DRI के मुताबिक ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए बोतलों के अंदर तरल पदार्थ का परीक्षण करने पर कोकीन होने का पता चला। बोतलों में कोकीन को चतुराई से खोला गया था, जिससे इसका पता लगाना बेहद कठिन हो गया था। कि DRI ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है, ताकि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का पता लगाया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल CID ने दक्षिण दिनाजपुर जिला पुलिस के साथ मिलकर बालूरघाट में मादक पदार्थों के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से प्रतिबंधित नशीली दवा यावा की 8,000 गोलियां जब्त की गई है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर CID की मादक पदार्थ रोधी इकाई ने दक्षिण दिनाजपुर खुफिया विभाग के साथ मिलकर जिला मुख्यालय में छापा मारा और बालूरघाट बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति को पकड़ा।